तरीका, घरेलू तरीका जो आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है, बालों को रिमूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो पे आके देखिए, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट देने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो हमें इस पैक को बनाने के लिए हमें कस्तूरी हल्दी की ज़रूरत होगी, क्योंकि फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। एंड आप अब हम लेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन हमारे कलर को फेयर करने में बहुत अच्छा लाभदायक देता है। इसमें के बाद हम लेंगे एबरयूथ का पील ऑफ मार्क्स, जो कि हम इजीली कोई भी शॉप में आपको मिल जाएगा। ये मार्क्स मैं ओनली वेजिटेरियन के लिए बना रही हूँ। जो नॉन वेजिटेरियन है वो इसमें एग ऐड कर सकते हैं, अंडा, जो देसी अंडा होता है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें रोज़ वाटर मिलाएंगे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो आप लोगों को सबको पता है। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें रोज़ वाटर जितना चाहिए होगा उतना ही मिक्स करेंगे। आपको अगर इससे मतलब 2 जने के फेस में लगाना हो तो आप उसी की क्वांटिटी के हिसाब से आप यूज़ करना। ये ओनली एक ही फेस पे यूज़ कर सकते हो आप, जितना मैंने आपको बताया है जितना क्वांटिटी। अब हम ब्रश के मदद से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम मत लगाना। मेरे फेस में वैसे हेयर है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ओनली ये वीडियो बनाए हैं। आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। मैंने और भी सिस्टर लोगों को मैंने यूज़ कर किया है, जिन्हें भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन लोगों को मैंने बताया है। सब ने बहुत यूज़ किया और सब ने बेनिफिट बताया मुझे, और हेयर भी निकले हैं इसमें। बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसमें। आप बहुत अच्छे से आप इसको बहुत ही कम रेंज में आप इजीली ही कर सकते हो घर पे। हम इसको 20 मिनट तक रख देंगे, या तो आपसे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। मेरा 20 मिनट्स में सूख गया था, ड्राई हो गया था। तो उसके बाद आप इजीली आप उसको निकाल सकते हो, मार्क्स की तरह ही निकलेगा, आप देखना। मैंने फिंगर से टच करके देखा कि ये अभी सूखा नहीं, तो और थोड़ा टाइम मैंने वेट कर लिया था। अब देखिए, मैंने फिंगर से टच किया तो हाथों में नहीं लगा, इसका मतलब हमारा मास्क ड्राई हो चुका है। अब हम इजीली आप इसको निकाल सकते हो, ये मास्क की तरह ही निकलेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा जलन भी हो रहा था, क्योंकि थोड़ा जो भी छोटे छोटे बाल थे, हेयर थे, मेरा सारा रिमूव हो गए थे, और मुझे पेन भी हो रहा था। और जिनके ज़्यादा बाल है, हेयर है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आराम से करना थोड़ा। मैं सच बोलूँ तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग शाइनिंग हो गया था, सॉफ्ट हो गया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रियलाइज हुआ इसमें, बहुत अच्छा लगा। आप देखिए कैसे अच्छे से इजीली आप निकल जा रही है। इसमें आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा है। एंड आपका हेयर सारा रिमूव कर देगा। आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करना इसको। आप देख सकते हो मेरा फेस बहुत ज़्यादा साफ क्लीन हो गया। आज मेरा फेस बिल्कुल फेशियल जैसा चमक गया, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो गया। एंड एक भी हेयर नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।